और नीचे माउंटिंग से ये GoPro लगा लिया, उल्टा लगाए और इसके आगे से तो गाड़ी निकल गई हमारी, ये देखो पक्की रोड पे आ गया, बट पीछे का जो टायर है ये एकदम फ्री हो भाई के, जो मैं अपने ब्लॉग्स में आगे यही यूज करूंगा। बेसिकली आज हम कंपैरिजन करेंगे GoPro और ड्रोन में। तो जो GoPro है ये अंडर वाटर शॉट्स के लिए यूज होता है, और इस GoPro को मैं लेके गया था अपने थाईलैंड वाले ट्रिप पे पूरा, और थाईलैंड में जितने भी अंडर वाटर शॉट्स थे और जितने भी सिनेमैटिक थे मैंने GoPro से बनाए थे। और जो ड्रोन होता है ये उड़ता है आसमान में, और इससे हम बहुत अच्छा व्यू आता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसकी ड्रोन की। बट आज हम कंपैरिजन करेंगे GoPro और ड्रोन में। तो गाइस, जैसे वॉइस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बोया के माइक दिखाए थे, तो ये एक माइक है जो मैं अपने व्लॉग्स में आगे यही यूज़ करूँगा। ये है वायरलेस माइक, जैसे आप बिग बॉस में देखते हो ना सलमान खान को, हाँ पीछे वो लगा रहा था और कानों में, तो ये उसी टाइप का है। तो ये आपको खोल के दिखा दो, बहुत सही चीज़ है। तो इसमें से निकली अटैची, सबसे तो इस अटैची को खोलते हैं। और तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगी यूज़र मैनुअल, इसकी ज़रूरत नहीं आपको। तो गाइज बेसिकली इसमें तीन चीज़ें दी गई हैं, तो ये होता है पोर्टेबल रिसीवर, ये लगेगा मेरे DSLR पे, और ये होता है ट्रांसमीटर, ये एक मैं यूज़ करूँगा, ये यहाँ लगेगा पॉकेट में, और यहाँ से एक माइक आएगा मेरे मुंह पे यहाँ पे, और ये एक बंदा और यूज़ कर सकता है, तो ये दो बंदों का हो जाएगा। और ये रिसीवर लगेगा DSLR पे, तो सबसे पहले हमें रिसीवर को लगाना है इस पर DSLR पे, और सभी के सेल लगेंगे यहाँ साइड से, सब में दो दो सेल लगेंगे, मतलब टोटल 6 सेल चाहिए होंगे आपको। और इसमें कुछ आपको वायर्स मिलेंगी, एक वायर लगेगी यहाँ लाइन इन पे, दूसरी DSLR पे। ये होता है माइक, अब माइक को एक साइड में लगाएंगे लाइन इन में, और इसका यहाँ दबा के रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसको रखना है जेब में। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं, जो गन वाला जो माइक आता है और एक जो वायरलेस होता है, तो वायरलेस में आप काफ़ी दूर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो बिना वायर के, और अगर आप गन वाला माइक लगाते हो तो उसमें ज़्यादा दूर से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ, देखो आवाज़ उतनी क्लियर होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि डिस्टेंस है, आवाज़ कम हो रही है धीरे धीरे, देख रहे हो, और दूर जाता जा रहा हूँ, और दूर जाता जा रहा हूँ, और दूर जाता जा रहा हूँ, एक बार उल्टा करके भी जा रहा हूँ। अब देखो उल्टा करके जा रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, एक बारी कमेंट करके बताना रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। तो इतना दूर, ये मेरे ख्याल से प्रैंक करने के लिए बहुत सही चीज़ है यार, क्योंकि इसमें आप काफ़ी दूर तक कर सकते हो, ये लगभग मैं आ गया हूँगा 50 मीटर तक, ठीक है। तो ये होता है शॉटगन माइक, इसको अभी DSLR पे लगाता हूँ और इसकी आवाज़ दिखाता हूँ, ये थोड़ी दूर तक ही आ पाती है, प्रैंक के लिए यूज़ नहीं होता। सो अभी शॉटगन माइक लगा हुआ है, मोस्टली व्लॉगर्स यही यूज़ करते हैं, बट वो प्रैंक के लिए, देखो अब शॉटगन में कितनी दूर तक आवाज़ आएगी, तो मैं कंटिन्यूस बोलता रहूँगा लेकिन एक लिमिट तक आती है आवाज़, फिर ज़्यादा दूर हो जाऊँगा तो फिर आएगी नहीं। अब शायद मेरे को नहीं लग रहा कि आवाज़ आ रही होगी, आ रही। अगर आपको ड्यूअल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम चाहिए बोया का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ खरीदो, बोया के बहुत अच्छे माइक्स होते हैं। यो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना बूम गौरव जोन है। तो कैसे आप सब, आपका नए व्लॉग में स्वागत है, और इस वाले व्लॉग में हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। आज तो मैं लाया हूँ थार, अपनी थार हो रही है बहुत गंदी, जैसे आप ये देख सकते हो गम लगा पड़ा है, ये गम पता है कब का है, ये पूरी थार पे लगा, ये गम तब का है जब मैंने फॉइल रैप करा था ना पूरी थार पे। गाय भैंस पता नहीं क्या भाई, अभी तेरे सिंग जाते हैं पिछवाड़े में। तो अभी ये लेसेस खुल रहे हैं, तो सीन ऐसा है आज का व्लॉग, टाइटल थंबनेल से समझ ही गए होंगे। तो आज मैं लाया हूँ ड्रोन, ये रहा मेरा मैविक प्रो है, एयर है, पता नहीं क्या है, बस खरीदने से मतलब था उड़ाने से। और ये मेरा GoPro हीरो 7 माउंट कर लिया है, GoPro हीरो 7। तो ये जो हैंड वाला बैंड आता है, ये मैंने बैंड बांधा इसके चारों तरफ, और नीचे माउंटिंग से ये GoPro लगा लिया, उल्टा लगाए और इसकी फुटेज हम घुमा देंगे, और ये इंक्लाइन है, जैसे ड्रोन ऐसे रहेगा ना तो फुटेज ऐसी आएगी, और ये आगे से ये इसका गिम्बल आगे से ऐसे फुटेज लेगा, ठीक है। तो हम दोनों फुटेज को कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं GoPro की फुटेज ज़्यादा अच्छी आती है या ड्रोन की ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये भी देखूँगा कि इसका वेट झेल पा रहा है ड्रोन की नहीं झेल पा रहा, ठीक है। तो अभी इसको उड़ाते हैं, तो चलिए ड्रोन शॉट एंजॉय करें। We'll be right back.
अभी मैंने ड्रोन उतारा तो मैंने देखा ये मेरी बैटरी फुल गई है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ से इस वाले साइड से बैटरी फुल गई है ये। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी बैटरी ख़राब हो गई। सीन ऐसा, मैंने बैटरी यहाँ लगती है ड्रोन की, तो बैटरी लगा के मैं उड़ा रहा, तो मैंने बैटरी पे ही बांधा हुआ था गोप्रो, तो बैटरी ने पूरा लोड ले लिया और ये यहाँ से पूरी फुल गई है, बैटरी ख़राब हो गई है। तो गाइस ये देखो, ये नॉर्मल बैटरी है जो मेरी सही है और ये जो फुल गई है, डिफरेंस देख रहे हो, ये वाली मोटी हो गई ये वाली, तो मेरी एक बैटरी का नुकसान हो गया। बट कोई ना, कंटेंट बनाने के लिए तो इतना छोटे मोटा नुकसान झेल सकते हैं। A few moments later. So guys, अभी जा रहा था हाईवे पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था, तो मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, तो ड्रोन शॉट्स ज़रा एंजॉय करो, ठीक है। तो अभी हम जैसे यमुना के किनारे जा रहे थे, तो बीच में एक हर्डल आई है, ये देखो, अब इस पे अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे, ये देखो। तो ये है इंडियन एसयूवी। A few moments later. So guys, अभी सीन ऐसा है, अभी मैं आ गया यमुना किनारे, तो अभी यहाँ से उड़ाएंगे ड्रोन, और ये मेरी पीछे गाड़ी है, तो ये गाड़ी करते हुए जाएगी ऑफ रोडिंग और मैं उड़ाता हूँ ड्रोन। तो अभी मेरी गाड़ी फंस गई है उधर और मैं इधर से जा रहा हूँ। A few moments later. तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, गाड़ी निकल नहीं रही है, टायर फ्री हो गया पीछे का। तो गाइस सीन ऐसा है, हम ड्रोन शॉट ले रहे थे गाड़ी को कीचड़ में से निकाल के, बट आगे से तो गाड़ी निकल गई हमारी, ये देखो पक्की रोड पे आ गई, बट पीछे का जो टायर है ये एकदम फ्री हो गया, ये देख रहे हो ये रपट सा गया पूरा। अभी हम क्या कर रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, कभी आपको फ्री कर दें। मैं तो फ्री हो ही जाऊँगा। तो गाइस देखते हो कंटेंट के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कितना कुछ सहना पड़ता है हमको, तो यार इस चीज़ के लिए एक वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे तीनों लौंडे अभी गाड़ी को निकालने में लग गए हैं, तो अभी हम ले जा रहे हैं लकड़ी और ये रैम बनाएंगे इसका, तो अभी टेक्निक देखना, अगर गाड़ी कभी ऑफ रोडिंग में फंस जाती है तो कैसे निकालनी होती है, ठीक है। यार हम भी पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, इतना ही नहीं बनते अभी व्लॉग। तो देखो गाइस ऐसे ऐसे बनते हैं व्लॉग्स, ना कि एक्सपोज करके, ठीक है। ये होती है मेहनत जो असली में करते हैं, और आप लोग इसीलिए हम मुझे प्यार करते हो, और ये ऐसी मेहनत हम करते रहेंगे। तो ये निकाल लिया तंबू, तो बेसिकली हमें बोरा मिला, अब इसको हम खोलते हैं और रस्सी जैसा बनाएंगे इसको, और उससे ये बांधेंगे लक्कड़। तो अभी हमने बना लिया इसकी। A few moments later. यार अलॉय में वो रपट गया, क्या अब अलॉय में वो रपट गया है जो हमने रस्सी बना के बोरी की डाली है, निकल गया, पसीने छूट रहे हैं गाइस,
भरी दोपहर है, चारों तरफ देखो को एक इंसान तक नहीं है। A few moments later. तो दुनिया मंगाती है क्रेन टो करने के लिए, मैंने बची है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये रही मेरी सफारी। तो अभी ये भाई टो करेंगे और गाड़ी निकलेगी। फुल ब्लॉग बन रहा है। तो देख रहे हो कितने गंदी तरीके से दसी अंदर। तो अभी गाड़ी निकल गई हमारी, कीचड़ देखो कितनी मोटी मोटी। क्या करोगे भाई साहब, आप मुझे मार रहे हो। रेसम रेस रेसम रेस फील रहे थे यार, यहाँ से लिप हो गया एक बार। हाँ ये टांगरी, अगर ऐसे कीचड़ में फंस जाए तो कैसे निकालनी चाहिए भाई? ज्यादा वो नहीं देना चाहिए नहीं यार, जहाँ स्लिप करने लगा फिर आप कहाँ नहीं करेगा, फिर बस खिंचवानी पड़ेगी, खिंचवानी पड़ेगी। तो ये वीडियो यही एंड करता है, और जाने से पहले मैं बता दूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, वो आएगी प्रैंक कराया मैंने मम्मी के ऊपर, वो बना के मैंने रखी हुई है, वो मैं जब डालूंगा जब मेरे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। तो फटाफट जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लाल कलर का बटन दबाओ, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं डालते रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटा दबा रहे हैं टंग करके, उससे क्या होगा नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा। तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, 2.5 मिलियन करवाओ ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूं जल्दी जल्दी जल्दी।